बेटा आज हम शुरू करेंगे माल्टोस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डाइसेकेराइड्स। एक एक करके हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा सुक्रोज के बारे में, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा सुक्रोज पढ़ा, उससे पहले बेटा हमने पढ़ा म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ठीक है। म्यूटा रोटेशन से पहले हमने पढ़ा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, एंड फिर हमने ये देखा व्हाई फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग, क्लियर। जबकि ये क्या है, एक तरह का किटोज है। किटोज नेवर रिड्यूस फेलिंग और बेंडिंग सॉल्यूशन, स्टिल फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। व्हाई, इसका हमने रीजन पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यस सर। राइट। उससे पहले हमने एनोमर्स पढ़े, एपिमर्स पढ़े और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं माल्टोज। अब बेटा माल्टोज क्या होता है, देखो इट इज अ डाइसेकेराइड है कि नहीं है। इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। कौन सी शुगर? माल्ट शुगर। कॉपी पेन है आपके पास? यस लिख, सर। हाँ लिखते भी रहना साथ साथ में, ठीक है। तो होता क्या है, यहां पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बनता है माल्टोज, क्लियर। और किस बॉन्डिंग से जुड़ते हैं, हमने पिछली बार भी बॉन्डिंग देखी थी। सो इट इज 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज और मुझे बता सकते हो अल्फा कब लिखते हैं हम? जब दोनों OH क्या हो, सेम प्लेन पर हो। बात समझ में आई? यस सर। हाँ। इनके बीच से क्या निकलता है फिर? H2O बाहर निकलता है ना, क्लियर। अब देखो माल्टोज के लिए जब हम स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज। दोनों ही क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब हमें मालूम है। तो कैसे बनेगा देखना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा HOH, एंड यहां पर क्या आएगा बेटा HOH, और यहां पर क्या आएगा OH, और बेटा यहां पर क्या आएगा HN OH, और यहाँ CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा H, क्लियर है। सामने भी सेम स्ट्रक्चर होगा, यहां पर O होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। तो HOH यहां पर होगा, CH2OH H, और यहां पर होगा बेटा HOH HOH, और यहां पर होगा OH H। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज के, दोनों के बीच बॉन्डिंग बनेगी। अब मुझे मालूम है इस फर्स्ट नंबर के ग्लूकोज और सेकंड नंबर के ग्लूकोज के बीच बॉन्ड बनना है। कार्बन नंबर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड देन 6। सेम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1 और 4 के बीच बॉन्ड बन रहा है, क्या निकल रहा है बेटा बाहर? H2O निकला। तो इधर बॉन्ड क्या बना, ओ बीच में आ गया, इस तरह से बॉन्ड बना, ये वाला ओ इस तरह से आ जाएगा, राइट। सो ये बॉन्डिंग बनेगी, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो कोई दिक्कत इसमें? बोलो बोलो, शाबाश, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया ये? यस यस सर। सर। अब बेटा मुझे बताओ, जो फर्स्ट नंबर का ग्लूकोज है, क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? जल्दी से देखो और बताओ, बॉन्डिंग बनने के बाद जो बॉन्ड बना ना, इसके बाद मुझे बताओ क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूस वेरी गुड। कैसे मालूम पड़ा? बोलो। सर, ये तो अंदाजे से बोल रहे बोलो बोलो, शाबाश। सर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन, विच इज फर्स्ट कार्बन, उसके साथ OH ग्रुप नहीं लगा है। उसके सामने तो O जुड़ा है और ऊपर को H जुड़ा है, तो OH तो नहीं है ना इसके साथ। यस सर। हाँ, तो इसलिए ये क्या नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूसिंग नहीं। अब मुझे बताओ सेकंड वाला रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है? शुगर ये वाला है। है? नहीं है सर। नहीं है सर। वेरी गुड। जो सेकंड नंबर वाला है ये रिड्यूसिंग शुगर है,
बेटा ओ के साथ कार्बन है फर्स्ट नंबर का, साथ में ओ एच जुड़ा नहीं दिख रहा आप लोगों को। है ना रिड्यूसिंग ये। हाँ तो फिर यस सर। ये क्या करेगा, ये बेंडिक टॉप फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, इसीलिए माल्टोज इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज भी क्या है, एक तरह का रिड्यूसिंग शुगर है। बोलो बात समझ में आई। बोलो बोलो शाबाश। क्या सर? समझ में आया कि ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ठीक यस सर। है, अब जब मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे ओएच होगा तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो आपने मुझसे अभी अपने मन में ही पूछा होगा, ऐसे तो आपने नहीं पूछा, मन में तो आपने जरूर पूछा होगा कि सर ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, पूछा ना ऐसा आपने मन में। शाबाश सर, सच बोलो। यस हाँ जी चलो, नहीं भी पूछा तो देख लो इधर। देखो बेटा, ऑक्सीजन है ऊपर, साथ में उसके कार्बन है ना, नीचे क्या लगा है, ओ एच लगा है, और ऊपर क्या लगा है, एच लगा है। अब मैं कह रहा हूं अगर ऐसी फॉर्मेशन है तो वो रिड्यूसिंग है। क्यों है वो रिड्यूसिंग, जरा देखना। ऑक्सीजन पे इधर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर, किया इलेक्ट्रॉन ने इधर मूव किया, और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहां से जाएगा ऑक्सीजन के पास में। क्लियर है, कहां जाएगा यस सर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पास। के बाद अब जैसे ही ये ऐसे जाएगा, यहां से क्या है, यहां से ब्रेकेज हो जाएगी बेटा, रिंग की रिंग है ना ये पूरी, इस तरह से पीछे वो यस सर। ऐसे करके यस रिंग है, सर। तो यहां से रिंग की ब्रेकेज हो जाएगी, कैसे होगी देखना, देखना ध्यान से। तो होगा क्या कि जैसे ही एच ऊपर जाएगा, यहां पे ओ एच बन जाएगा और ऊपर रिंग ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही ओ एच बना, ऊपर रिंग ब्रेक हो चुकी है, और नीचे क्या है, सी है, ओ एच यहां से हट चुका है, ओ के साथ डबल बॉन्ड लग जाएगा क्योंकि यहां से लोन पेयर ऊपर की तरफ गया है, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, मान लो ऐसे, और सामने इसके एच लगाए ऊपर एच, तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, और जैसे ही एल्डिहाइड ग्रुप बना, ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है फेलिंग और बेंडिंग सॉल्यूशन को। बोलो बात समझ में आई। क्लियर है, ये क्या कर सकता है, यस सर। बेंडिक सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। क्लियर, अब चलो आगे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डाइसेकेराइड, दैट इज, ये समझ में आया ना, लिखा आप लोगों ने जो मैंने किया अभी। यस सर, अभी थोड़ा बचा है। जल्दी लिखो, शाबाश। चले आगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज हमने माल्टोज पढ़ लिया ना, नेक्स्ट लिखो लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर कहा जाता है बेटा इसे, है ना, मिल्क में होता है ना लैक्टोज, याद करो मेडिकल वाले भाई साहब, लैकोपेरोन याद है कुछ, इस बार तो मेरे ख्याल नहीं, सीबीएसई बोर्ड है ना आपका देशांत, यस सर। यस, सर तो फिर तो आपको आएगा ये लैकोपेरोन वगैरह, है ना। यस सर। लेको हाँ, लैक्टोज मिल्क शुगर एंड इट इज द लीस्ट स्वीट, मतलब सबसे कम मीठी होती है ये शुगर। होता क्या है बेटा, देखना जरा ध्यान से, तो ये जुड़ के बनती है, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो बीटा डी गैलेक्टोज ज्वाइन विद बीटा टी ग्लूकोज। क्लियर, दोनों के बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है, इट इज, आप मुझे बताना जरा, बॉन्डिंग बता रहा हूं मैं अभी, सिर्फ 1-4 की लिंकेज है, आप मुझे बताना ये अल्फा है या बीटा है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो मैं बनाता हूं बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का मालूम है ना डी है,
बीटा डी है, तो कैसे बनेगा? राइट साइड को OH लगा होगा, है कुछ याद कि नहीं है? भाई साहब अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज कुछ याद है? देखो जरा पीछे, कॉपियां पलटो, शाबाश। दोनों में क्या डिफरेंस था? अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस था? शाबाश, जल्दी से कॉपियां पलटो। एक मिनट से नेट ही नहीं आ रहा बिल्कुल ही। चलो चलो देखो जरा, स्टेबल हो जाओ पहले। अरे मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज? बेटा अल्फा में देखो इधर, हाँ अल्फा जी बोलो बोलो, शाबाश। में सर अल्फा में फर्स्ट कार्बन में OH राइट साइड को लगता था, ऐसा ही था, सर और बीटा में लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड OH लगेगा, एक साइड पे H लगेगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? यस यस सर सर। ठीक है जी, ये आ जाएगा H, और नीचे क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, और लास्ट में CH2OH। तो बाकी तो आपको मालूम है, जो भी हमने फॉर्मूला बताया था ग्लूकोज का, राइट लेफ्ट राइट राइट, वो सेकंड कार्बन से शुरू होता है ना, सेकंड में राइट में आएगा, फिर लेफ्ट में आएगा, फिर राइट में आएगा, देन राइट में आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड, थर्ड पे लेफ्ट पे, फोर्थ कार्बन पे राइट पे, फिफ्थ पे राइट में। क्लियर? यही बताया था ना मैंने ग्लूकोज के लिए। अभी आ यस जाओ जरा सर। गैलेक्टोज में। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में क्या है बेटा? आपस में ये दोनों एनोमर्स हैं या एपिमर्स हैं? देखो जल्दी से कॉपियां पलट लो। इधर अल्फा क्या अल्फा हाँ यार, एपिमर और एनोमर, है जी। एपिमर्स है अल्फा हाँ एपिमर क्या होते डी हैं? शाबाश। कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज एट एनी अदर कार्बन हाँ एंड फर्स्ट फर्स्ट कार्बन को छोड़ के बाकी किसी भी कार्बन के अराउंड अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, दैट विल बी एपिमर। तो ये एपिमर है। चलो इसका भी फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं जरा, कैसे आएगा? इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे OH इधर को ही लगा होगा। देखो फर्स्ट कार्बन पे चेंज नहीं होगी पोजीशन, फर्स्ट पे सेम रहेगा, यहां भी सेम, यहां भी सेम। मैंने क्या कहा? फर्स्ट के अलावा बाकी किसी भी कार्बन पे। तो देखते हैं जरा किस कार्बन के राउंड है। 3, 4, CH2OH। तो अब आ जाओ जरा आगे, तो नेक्स्ट कार्बन पे भी सेम रहेगा, HOH रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे जरा, यस इसका फॉर्मूला भी, इसका भी लिख लो, ग्लेक्टोज का, ग्लूकोज का तो राइट लेफ्ट राइट राइट है, इसका होगा बेटा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। सेकेंड कार्बन पे राइट में होगा OH, थर्ड में लेफ्ट पे, फोर्थ पे लेफ्ट पे, फिफ्थ पे राइट पे, सेकेंड पे राइट पे, थर्ड पे लेफ्ट पे है, फोर्थ पे लेफ्ट पे है, फिफ्थ पे राइट पे। बोलो बात समझ में आई? सर सर अब जरा इनको जोड़ के देखो, ये आ गया ऐसे, ठीक है, ये आ गया एक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं दूसरा, ग्लूकोज का ये लिख रहा हूं मैं अभी, और दूसरी साइड पे ग्लेक्टोज। तो ग्लेक्टोज में देखो, अब यहाँ पे लिखना है ना तुमने, तो फर्स्ट पे कहाँ पे है? लेफ्ट में है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट वाला हमेशा कहाँ लिखा जाता है? ऊपर, राइट वाला नीचे। तो लेफ्ट में ऊपर है और लेफ्ट साइड है OH, तो एच नीचे आएगा, OH ऊपर। इधर राइट है तो राइट नीचे आता है, एच ऊपर आएगा। ठीक है, यस यस सर। सर और थर्ड पे क्या है? लेफ्ट पे है, तो ये ऊपर आएगा OH, और एच नीचे। अगले पे भी लेफ्ट पे है, तो OH ऊपर, एच नीचे। इसी तरह से होगा कि नहीं होगा? और यहां पर CH2OH और नीचे एच। क्लियर? सर सामने वाले ग्लूकोज पे आओ, तो पहले पे लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे है तो ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट पे राइट पे है, तो नीचे आएगा OH, एच ऊपर आएगा। राइट वाला नीचे आता है, याद रखना, लेफ्ट वाला ऊपर। तो अगले पे लेफ्ट पे है, नीचे है, अगले पे राइट पे है, तो
नीचे आएगा और ऊपर एच, और यहां पर CH2OH और एच। क्लियर? ये आ गया गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर और ये आ गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब बेटा बॉन्डिंग होगी तो हमें मालूम है एक OH नीचे एक ऊपर है, क्या निकलेगा बाहर? H2O। बाहर H2O निकला तो बीच में बॉन्डिंग जो बनी वो कैसे बनेगी? वो कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन बीच में और ऐसे। अब मुझे बताओ ये α14 लिंकेज है या बीटा? है तो 1,4 ही ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहां भी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 1 एंड 4 है, तो मुझे बताओ अल्फा या बीटा है? बोलो बोलो, शाबाश, ठीक बोल रहे हो। अल्फा हाँ जी, डी। हाँ, वेरी गुड, ये है β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं कल ही बताया तुम्हें, अगर सेम प्लेन पे होंगे तो अल्फा, अगर क्रॉस में होंगे तो बीटा। बताया था कि नहीं? अभी पिछले वीडियो में भी यही बताया, सेम प्लेन पे होंगे तो अल्फा और अगर ऑपोजिट प्लेन पे होंगे देन इट विल बी बीटा। क्लियर है कि नहीं है अभी? यस सर, हाँ, ध्यान रखना इसका, ठीक है? यस सर, ठीक है जी, चलें फिर आगे। नेक्स्ट पे आ रहे हो। नेक्स्ट, ये लिख लिया था बेटा पिछला, क्या बचा है? रखो तो सर, ग्लूकोज। एक मिनट, नीचे वाला बजा लिखने वाला है। चलो ठीक है, लिख लो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखते रहना इसको, है ना? ले लिया यस सर, सर, ले लिया सर, स्क्रीनशॉट। ठीक है, वेरी गुड, फोटोग्राफर बनोगे तुम पहले। चलो नेक्स्ट लिखो, पॉली सेकेराइड। क्या लिखना है नेक्स्ट? पॉलीसेकेराइड। अब बेटा पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? इन विच मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स, इन विच मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड। क्लियर? तो पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, 10 मोनोसेकेराइड से ज्यादा जुड़े होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर, पहली बात, ये अमोर्फस होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग? अमोर्फस। सेकेंड चीज, दे आर नॉट स्वीट, है कि नहीं? दे आर नॉट स्वीट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च किस में मिलता है बेटा? पोटैटो। अब आलू को चबाना शुरू करो, क्या वो मीठा लगना शुरू हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। नो सर, तो स्टार्च हम एक लेंगे पॉलीसेकेराइड जिसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च का दूसरा नाम होता है एमाइलम। क्या नाम होता है इसका? अमाइलगम। इट इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ, पॉलीसेकेराइड ऑफ किसका है बेटा? ग्लूकोज का। किसका पॉलीसेकेराइड है ये? ग्लूकोज का इसमें ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं, लगभग 2000 के अराउंड, एंड दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। कैसे ग्लूकोज होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। मुझे बताओ, फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ जुड़ा होगा, राइट या लेफ्ट? राइट, हाँ, वेरी गुड, राइट साइड, देन इट इज अल्फा। बीटा कब होगा? जब लेफ्ट पे जुड़ा होगा। सिंपल, क्लियर? यस सर, ठीक है जी। अब बेटा जो स्टार्च है दैट इज मेड अप ऑफ टू यूनिट्स। पहली पहली यूनिट का नाम आता है अमाइलोज। क्या नाम है पहली यूनिट का? अमाइलोज। सेकंड का आता है अमाइलो पेक्टिन। क्या नाम, क्या बोलते हैं बेटा सेकंड को? अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? स्ट्रेट चेन। अमाइलो पेक्टिन है एक ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। कैसा है? ब्रांच चेन। नेक्स्ट, तो स्टार्च में 20% अमाइलोज होता है एंड 80% लगभग अमाइलो पेक्टिन होता है। बोलो, बात समझ में? हाँ, यस सर, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट है अमाइलोज में, इसमें लिंकेज होती है बेटा 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी होती है?
1,4-अल्फा-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अमाइलो पेक्टिन में होती है दो तरह की लिंकेज। पहली लिंकेज तो सेम है, अल्फा 1,4 सॉरी 1,4 अल्फा या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कुछ भी बोल लो। दूसरी लिंकेज होती है बेटा इसमें 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोला? लिंकेज क्लियर? हाँ अमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? स्ट्रेट चेन है ना, है कि नहीं है? सर, किसकी वजह से है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अमाइलोपेक्टिन का ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है किसकी वजह से? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह। स्ट्रेट चेन तो अल्फा 1,4 की वजह से भी है, अमाइलोपेक्टिन में भी स्ट्रेट चलती है चेन, लेकिन ब्रांच भी होती है उसमें। तो ब्रांच किसकी वजह से है? अल्फा 1,6 की वजह से। स्ट्रेट किसकी वजह से है माइलोज? अल्फा 1,4 की वजह से। बोलो बात समझ में? यस सर। अभी जब तुम पोटैटो को कट करते हो बीच से, तो तुम्हें इसके अंदर बनी हुई कुछ रिंग्स दिखेंगी इस तरह से। आई बात समझ? यस यस सर। सर। वो रिंग्स किसकी वजह से होती है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ब्रांच्ड चेन, वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देती है। आई बात समझ? यस सर। ऐसे देखो, स्ट्रेट चेन तो ऐसे होगी, जब ब्रांच जुड़ेंगी तो स्ट्रेट ऐसे होगी, इसमें एक ब्रांच ऐसे जुड़ी, दूसरी ऐसे जुड़ी, तीसरी ऐसे जुड़ी, ऐसे करके ब्रांचेस सर्कल में जुड़ती जाएंगी। क्लियर है? ऐसे। यस सर। तो ये किसका होता है? अमाइलोपेक्टिन। अब एक ऑप्शन है बेटा हमारे पास कि हम इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, दूसरा ऑप्शन है कि ना बनाएं और सीधा आगे चल पड़े। अब तुम लोग मुझे बताओ, बनाना है या आगे चलना है? बोलो बोलो, यस शाबाश, सर, आगे आगे चलना है। चलते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। क्योंकि तुम्हें मालूम तो पड़ गया ना कि ग्लूकोज आपस में जुड़ता कैसे है। 1,4 है मतलब ये सीधा जुड़ेगा। चलो 1,6 का बता देता हूं यार एक बार, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा, पता नहीं हमें टरका सा दिया है। देखो फिर, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं। तो सबसे पहले तो बनाता हूं अमाइलोज का स्ट्रक्चर। तो क्या होगा? इस तरह से ग्लूकोज होगा भाई साहब, ऐसे है ना, ये स्ट्रक्चर है। अब मैं सारा नहीं बनाने लगूंगा, बाकी तुम्हें आता भी है। तो ये है, ये आ गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ आपस में जुड़ेंगे, ओ एच, ओ एच है, क्या निकलेगा? H2O। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया। ठीक, अगला स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बनेगा कुछ। ये तो स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर बन गया। बोलो बात समझ में आई? अगला भी ऐसे ही बनेगा। तो दिस इज फॉर अमाइलोज, 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है कि नहीं है? ऐसे करके चेन बनती रहेगी आगे तो आगे। क्लियर? यस सर। अब आते हैं दूसरे पे, 1,6 पे। तो अमाइलोज में तो ये एक ही है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में भी ये होगा। अमाइलोपेक्टिन में दोनों होंगे, ये भी होगा और दूसरा 1,6 भी होगा। 1,6 कैसे होगा जरा देखना, यही बना लेता हूँ, ज्यादा आगे क्या जाना। तो देखो ये आ गया बेटा, भाई साहब ये आ गया, मान लो ग्लूकोज ये आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6th कार्बन, CH2OH, ये आ गया छठा कार्बन। अभी बेटा 6th की लिंकेज फर्स्ट से होगी, कैसे होगी देखना। जो तो फोर्थ लिंकेज है वो तो ऐसे है सीधा आगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 1,4 की लिंकेज तो ये होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक यस सर। लिंकेज। अभी 1,6 कैसे होगी? तो ये छठा कार्बन है, तो एक ग्लूकोज जो है वो ऊपर होगा यहाँ पर, उसका फर्स्ट कार्बन यहाँ पर है ना, फर्स्ट कार्बन यहाँ है, सेकेंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, फिफ्थ यहाँ है, छठा ऊपर है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है इसका ओ एच, CH2OH का ओ एच, इनके बीच से निकलेगा वाटर और ये लिंकेज बन जाएगी ऊपर को। तो देखो ये तो सीधा चल रहा था, लेकिन ब्रांच ऊपर को बन गई। बोलो बनी कि नहीं बनी? यस हाँ, सर। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है।
अभी उसका भी सिक्स्थ ऊपर है, तो अगला ग्लूकोस आएगा वो इधर होगा, तो वो ऊपर को बन गई देखो ब्रांच, तो ये 1/6 ऊपर को चल पड़ा, समझ में आई बात। अगर इसने आगे जाना हो तो इसके 1/4 आगे की तरफ जाएगा, या इधर अगर 1/4 होगा तो वो ऐसे जुड़ा हुआ इधर पीछे को, समझ आई। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, क्लियर यहां तक? तो शाबाश, अब चलो आगे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, अच्छा स्टार्च याद रखना, स्टार्च के बारे में बात करी थी ना हमने बेटा, स्टार्च एनिमल यस सर, प्लांट का स्टोरेज मटेरियल है, किसका स्टोरेज मटेरियल है? प्लांट। कैसे? तो देखो सनलाइट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन, सन माने सूरज, इससे लाइट पड़ती है, लाइट एनर्जी किस पे पड़ती है बेटा? प्लांट पे। प्लांट इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी, दैट इज ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज मान लो प्लांट को जरूरत थी 10 ग्लूकोज की, कितने? 10, और इसने बना कितने दिए बेटा? मान लो 100 बना दिए, कितने बचे? 90। तो 90 ग्लूकोज ये क्या करेगा? स्टोर, किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, सभी को स्टार्च में जोड़ देगा, क्लियर यहां तक? मान लो वो स्टार्च इसने यस पोटैटो के पास, सर, यस वो स्टार्च इसने पोटैटो के पास इकट्ठा कर लिया, अभी पोटैटो को खाने जाएगा, मान लो ये चला गया अमन पोटैटो को खाने, ठीक, इसने पोटैटो खा, अमन को जरूरत थी 20 ग्लूकोज की, इसने खा लिए 90 ग्लूकोज, कितने बचे? 70। अब अमन इन 70 ग्लूकोज को फिर से स्टोर करेगा, कहाँ करेगा स्टोर? पहली बात तो स्टोर किस फॉर्म में करेगा? स्टोर करेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, किस फॉर्म में करेगा? ग्लाइकोजन। तो ये हमारा स्टोरेज, की फॉर्म में। हाँ ये हमारा स्टोरेज मटेरियल है, क्या है ये हमारा? स्टोरेज मटेरियल, क्लियर? कहाँ होता है बेटा ग्लाइकोजन स्टोर? लिवर में। यस सर, कहाँ स्टोर होता है ग्लाइकोजन? लिवर। लीवर में। जैसे मैंने कहा था ना, स्टार्च बनता है लगभग 2000 ग्लूकोज भी आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन में इतने ज्यादा नहीं जुड़ते, लगभग 100, 200, 300 ऐसे इतने ग्लूकोज जुड़ेंगे, राइट? तो जब भाई साहब अमन जी जब व्रत रखेंगे, कौन सा मंडे, सोमवार का व्रत रखा जाता है ना, 16 सोमवार, ताकि इसको किसकी प्राप्ति हो? इसको अच्छी वाइफ मिले आने वाले टाइम में, देखो लड़कियां भी रखती है ना अच्छे पति के, तो लड़के को भी रखना चाहिए अच्छी सही पत्नी के, है कि नहीं देशांत? सही बोला बेटा मैंने, बोले सर। ठीक। तो अभी ये जब व्रत रखेगा तो उस टाइम भी तो इसको ग्लूकोज चाहिए, उस टाइम ये ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में और भाई साहब को जिंदा रखेगा, ताकि जिसके लिए व्रत रख रहे हैं उस तक जिंदा रह सके, राइट? चलो आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे ग्लाइकोजन। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज मटेरियल फॉर एनिमल्स, इसको एनिमल का स्टार्च भी बोलते हैं, जैसे प्लांट में स्टार्च होता है ना, वैसे एनिमल का स्टार्च क्या है? ग्लाइकोजन। बोलो बात समझ में आई? यस यस सर, सर। बेटा ये होता है ब्रांच्ड पॉलीमर, इसका पूरा स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर, और मजे की बात यह है कि इसमें जैसा स्ट्रक्चर होता है ना सेम होता है अमाइलोपेक्टिन की तरह, किसकी तरह? अमाइलोपेक्टिन। हाँ, बस थोड़ा स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है ये, कैसा होता है ये? थोड़ा स्मॉलर मॉलिक्यूल, क्लियर यहां तक? यस सर, यस सर। नेक्स्ट बेटा लास्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेल्यूलोज के बारे में, सेल्यूलोज क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल मटेरियल है प्लांट का, क्या है ये? एक स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट। बेटा प्लांट की सेल वॉल के पास क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, क्या प्रेजेंट होता है इसमें? ग्लूकोज। क्या बॉन्डिंग होती है बेटा? अल्फा, इसमें बेटा याद रखना ये होती है β-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या होती है? β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि क्रॉस में लिंकेज होगी, मतलब OH ऊपर होगा और नीचे होगा, तभी यहां से H2O निकलेगा। बोलो समझ में आती है मेरी बात अब? यस सर, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे बेटा अमीनो एसिड से, कहां से शुरू करेंगे कल हम? अमीनो
एसिड से, एसिड्स। मतलब हम कल पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में, किसके बारे में, प्रोटीन। प्रोटीन्स। और कुछ जानना है आपको इसमें, कुछ ना समझ में आया हो तो वो बता दो। नो सर, आया सर सब समझ। ठीक है, तो आज के लिए इतना, अब मिलते हैं कल, ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके सर। ओके।